ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ऑरेटर गदा बैच के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9, जो कि रीजनिंग और इंटेलिजेंस का चैप्टर नंबर 9 होने वाला है, और इसके अंदर आप सीखने वाले हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बारे में, यानी कि दिशाओं के बारे में आप जानने वाले हैं। इससे पहले कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बारे में बात करें, सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूँ कि सिलेबस अपने साथ रखें। इससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और कितना पार्ट अभी कंप्लीट करना बाकी है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से अगर देखेंगे सिलेबस को, तो आपको समझ आएगा कि रीजनिंग के चैप्टर्स के अंदर हमने कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करे हैं, जिसके अंदर एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स हैं, रैंकिंग टेस्ट है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी हमने कवर किया है, और ब्लड रिलेशन को बहुत अच्छी तरीके से देखा है, इसके कॉन्सेप्ट को देखा है। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो चलिए देखते हैं कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं इस डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंदर। तो यहां पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में, और कॉन्सेप्ट के लिए हमेशा मैं आपको बोलता हूं मेरे साथ अपनी कॉपी में जहां भी नोट्स आप बना रहे हैं ना, वहां पे लिख लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट के कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। अब डायरेक्शन के बारे में सबसे पहले तो आपको अपने मेन डायरेक्शंस के बारे में समझना होगा, और मेन डायरेक्शंस कौन कौन से हमारे, अगर मेन डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो हमारे मेन डायरेक्शंस हैं वो कौन से हैं, वो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हम हमेशा, ये होता है हमारा ईस्ट, इधर होता है हमारा वेस्ट, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, ईस्ट है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा वेस्ट होता है, राइट, और ये होता है हमारा नॉर्थ, राइट, NORTH नॉर्थ, और ये होता है साउथ। ये जो है ना हमारे, ये हमारे मेन डायरेक्शंस होते हैं। अब देखिए, अब लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट यहीं पे आपको समझना है। सनराइज कहाँ होता है, ईस्ट की तरफ होता है। जो सन होता है वो राइज कहाँ से होता है, वो ईस्ट की तरफ से राइज होता है सन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, सनराइज होता है। क्या होता है, जो सन है हमारा क्या करता है, राइज करता है, कहां से, ईस्ट की तरफ से, राइट। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और सनसेट कहां होता है, सनसेट यहां पे होता है। सनसेट कहां पे होता है, सनसेट जो होता है हमारा कहां होता है, वेस्ट की तरफ होता है सनसेट हमारा, राइट। तो यहां पे हो जाता है हमारा सनसेट। और ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सनसेट कैसे होता है और सनराइज किस तरीके से होता है। तो आपको लेफ्ट और राइट समझना पड़ेगा। अगर हम नॉर्थ की बात करेंगे ना, नॉर्थ की, तो लेफ्ट इस तरफ होगा और राइट इस तरफ होगा। लेकिन वहीं अगर साउथ की बात करेंगे तो राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा। इसी तरीके से देखिए, बहुत सिंपल है, आपका लेफ्ट आपका राइट, और इस तरफ से अगर है तो आपका लेफ्ट इस तरफ होगा और राइट इस तरफ होगा। इसी तरीके से हम यहां भी समझते हैं चीजों को। ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में जो होता है ना, आपका लेफ्ट किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और राइट आपका किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। और अगर वेस्ट की बात करें तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि ईस्ट की तरफ में अगर जा रहे हैं तो लेफ्ट अप में होगा और राइट डाउन में होगा। वेस्ट की तरफ जाएंगे चीजें बिल्कुल अलग होंगी। वेस्ट का मतलब आप देखिए, आप ऐसे जा रहे हैं सीधे की तरफ, आपका मुंह इधर है, तो आप अपने देखिए कि आपका लेफ्ट किधर है, तो आपका लेफ्ट हाथ की तरफ लेफ्ट होगा, राइट हाथ की तरफ राइट होगा। अब आप सीधे जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, और आप देखिए आपके लेफ्ट हाथ की तरफ लेफ्ट, राइट हाथ की तरफ राइट। तो अपने आप को ऑब्जर्व करना, अब आप ईस्ट की तरफ चले जा रहे हैं तो लेफ्ट आपका किधर होगा, लेफ्ट आपका इधर होगा और राइट आपका इधर होगा। इसी तरीके से साउथ की तरफ जब आएंगे तो आपका लेफ्ट इस तरफ होगा और राइट इस तरफ होगा। तो आप अपने आप को जब देखेंगे तो डायरेक्शन सेंस को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये डायरेक्शंस, जो मेन डायरेक्शंस हैं, वो काम करती हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है डायरेक्शन सेंस के अंदर। तो ये आपको मेन डायरेक्शंस हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। तो आई होप कि ये डायग्राम्स आपने बना लिया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जो कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं उनके बारे में। अब कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां भी हम क्या करने वाले हैं,
अब हम मेन डायरेक्शंस के बाद हम देखने वाले हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, और यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ये क्या होते हैं? हमारे कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं। तो इसका भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये कैसे काम करते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। तो ये जो कार्डिनल डायरेक्शंस है ना, यहाँ पे मेन आपको डायरेक्शंस तो पता ही होगी, हो चुकी होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि ये जो है आपका, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, और ये आपका साउथ हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये भी तो एक डायरेक्शंस है, ये भी तो एक डायरेक्शन है, राइट, ये भी तो एक डायरेक्शन, आपको बिल्कुल स्केल से करना है, राइट। और मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ तो इस वजह से ऐसे चित्र बन रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये बिल्कुल पॉइंट है इसका। तो ये जो वाला पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट। और इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, और ये क्या हो गया? साउथ ईस्ट, और ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट। तो यहां पे जो एंगल बन रहा है ना वो 45 डिग्री का बनता है, और यहां पे भी जो एंगल बन रहा है ना वो 45 डिग्री का बनता है। अब ये क्यों बनता है? आपको पता है कि जब हमारा मेन डायरेक्शन रहता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, और इसका अगर सीधे बिल्कुल हाफ करेंगे तो क्या होगा? 45 का ही तो एंगल बनेगा। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट, ये जो कॉर्नर होगा नॉर्थ ईस्ट होगा, ये जो कॉर्नर होगा नॉर्थ वेस्ट होगा, और ये जो कॉर्नर होगा वो साउथ ईस्ट होगा, और ये जो कॉर्नर होगा वो कौन सा होगा? साउथ वेस्ट होगा। ईस्ट आपका इधर होगा, वेस्ट आपका इधर होगा, नॉर्थ आपका ऊपर होगा और साउथ आपका नीचे की तरफ होगा। तो इस तरीके से हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को समझ सकते हैं। ये देखिए, ये है आपका ईस्ट, राइट, ये आपका वेस्ट, और ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये साउथ नीचे की तरफ। और इसी तरीके से ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये कॉर्नर से मिलाएंगे, ये देखिए ये हमारा कॉर्नर क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा कॉर्नर क्या हो गया? साउथ वेस्ट। ये हमारा कॉर्नर क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट। और ये जो हो गया हमारा साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से हम चीजों को, जो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, इनको हम समझ पाए हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है जो कि शैडो से रिलेटेड पूछा जाता है। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, शैडो वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है उन लोगों को, तो हम शैडो के बारे में बात करते हैं। शैडो का मतलब होता है परछाई, और परछाई दो कंडीशंस में आएगी, एक जब सूरज उग रहा होगा और एक जब सूरज डूब रहा होगा। यानी कि सनराइज के समय पे क्या होगी शैडो, और सनसेट के समय पे शैडो क्या होगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग्स में लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो। क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो। शैडो का कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम शैडो के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखना ध्यान से आप, और आसानी से आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं कि शैडो ऑफ सनसेट क्या होगा। देखिए, अब यहाँ पे मैं आपके समझने के लिए एक छोटा सा मैं डायरेक्शन चेंज बना लेता हूँ। तो इसको मैं ईस्ट कर लेता हूँ, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ और इसको साउथ। अब आप समझना ध्यान से कि किस तरीके से पर्सन की परछाई कहाँ पे होगी। अब ये मान लेते हैं यहाँ पे जो सूरज है वो उग रहा है, यहाँ पे हम मान लेते हैं सूरज हमारा क्या हो रहा है? उग रहा है, राइट। अब ये सूरज इस तरफ है और ये हमारा ईस्ट का डायरेक्शन है, और ये हमारा सन हो गया, राइट। अब यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे क्या है? एक पर्सन है। अब ये पर्सन है, और इस पर्सन की जो शैडो है, इस पर्सन की जो शैडो है वो कहाँ दिखेगी? इस पर्सन की जो शैडो है वो कहाँ दिखेगी? इस पर्सन की शैडो दिखेगी जस्ट इसके वेस्ट में। पर्सन की जो शैडो है वो कहाँ दिखेगी? इसके वेस्ट में दिखेगी। इस पर्सन की शैडो कहाँ दिखेगी आपको? इसके वेस्ट में दिखेगी, राइट। इसकी ये शैडो है, इस पर्सन की क्या है? ये शैडो है कम्प्लीटली। तो इस पर्सन की जो शैडो है ना वो यहाँ पे दिखेगी। अगर सूरज ईस्ट की तरफ होगा तो शैडो कहाँ होगी? शैडो उसकी वेस्ट की तरफ होगी। तो ये शैडो, ये पर्सन हो गया, और ये इसकी शैडो हो गई, ये वेस्ट की तरफ है। कहाँ पे है? वेस्ट की तरफ है। तो आप समझ पा रहे हैं कि परछाई जो है, इसको हम कहते हैं शैडो, ये हमारी क्या है? शैडो। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर ईस्ट की तरफ में सूरज उग रहा होगा तो जो परछाई होगी वो कहाँ होगी? पीछे की तरफ में होगी। आप इसको मैं समझाता हूँ प्रैक्टिकल, आप देखिए इसकी परछाई अभी नहीं दिख रही होगी। ओके, लाइट की अभी ऐसी जगह लाइट सेट है कि परछाई नहीं दिख रही होगी, लेकिन हाँ अगर आप इस तरफ में करेंगे तो भी यहाँ भी परछाई दिख रही है यार। चलो ये देखिए, ये परछाई आपको दिख रही है थोड़ी बहुत, ये देखिए, ये जब लाइट यहाँ पे आ रही है, ये लाइट अगर यहाँ से पड़ेगी तो हमारी परछाई कहाँ है? नीचे डाउन की तरफ। आप देख पा रहे हैं इस पेन की दिखे परछाई, मेरे शर्ट पे दिखे परछाई आ रही है, ये शैडो आ रही है। जब लाइट यहाँ से पड़ रही है तो परछाई नीचे पीछे की तरफ आ रही है, यानी कि इसी तरीके से अगर ईस्ट की तरफ होगा तो परछाई कहाँ होगी? शैडो कहाँ होगी? इसके वेस्ट की तरफ में होगी। खैर, ये आप समझ पाए हैं शैडो का कॉन्सेप्ट। अब हम
सनसेट के टाइम पे देखते हैं, ये तो सनराइज के टाइम पे हमने देखा, सनराइज के टाइम पे हमने शेडो को देखा, हम शेडो को देखते हैं सनसेट के टाइम पे। तो चलिए, शेडो एट द सनसेट, शेडो शेडो एट द टाइम, एट द टाइम, एट द टाइम ऑफ सनसेट, कौन सा है, सनसेट के टाइम पे। तो ये सनसेट का समय है, हम मान लेते हैं ये सनसेट का समय है और ये सनसेट हो रहा है हमारा, राइट। और इस बार पर्सन इस तरफ होगा और इस तरफ ये पर्सन है, और पर्सन की जो परछाई होगी वो ईस्ट की तरफ आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी, वो ईस्ट की तरफ आ जाएगी, राइट। तो इसकी परछाई यहाँ पे आ जाएगी, इस पर्सन की परछाई, राइट। तो ये तो वेस्ट है हमारा, जहाँ पे ये सूरज उग रहा है, तो आप देखिए ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ईस्ट की तरफ में क्या होगी, इसकी परछाई आएगी। तो इस तरीके से हम शैडो का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्या कर पा रहे हैं, उसको हम समझ पा रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम देखेंगे, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ मूवमेंट्स, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, जब क्लॉक वाइज घूम रहा होगा या फिर एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा होगा, तो इस मूवमेंट्स को हम देखते हैं कि क्या होता है, राइट। तो इसको भी हम समझते हैं एंगल ऑफ मूवमेंट्स के कॉन्सेप्ट से, जो कि इस डायरेक्शन सेंस टेस्ट में ही ये कॉन्सेप्ट आता है। तो इस टेस्ट, इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, एंगल ऑफ मूवमेंट का कॉन्सेप्ट। तो अब ये कैसे काम करता है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये डायरेक्शन हमने बना लिए। अब इस डायरेक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको पता है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। अगर ये यहाँ से अगर इस तरीके से चल रहा है, चीजें आ रही हैं, तो आपको क्या समझना पड़ेगा, ये नहीं, ये 45 हो गया और ये 45 हो गया। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ये किस तरीके से काम कर रही है। सर्कल हम मान लेते हैं और ये सर्कल है कम्प्लीटली, ओके। माइंड करना, आप अच्छा सर्कल बनाना, प्रॉपर तरीके से आपको सर्कल बनाना है। यहाँ पे केवल मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, राइट। तो ये 90 डिग्री है और ये आपका इधर में जब आएगा तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। और इस तरीके से ये 180 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से कम्प्लीटली 360 डिग्री होगा, राइट। और इसी तरीके से अगर आप चीज़ों को देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर नहीं, यहाँ पे 180, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, राइट। इस तरीके से ये 360 हो जाएगा, ये जीरो एंगल है यहाँ पे। देखिए इसको अच्छे से मैं बना देता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे अच्छी तरीके से चीज़ों को। ये है आपका एक सर्कल और इस सर्कल को हमने इस पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लीजिए जीरो एंगल यहाँ पे है, तो जीरो अगर यहाँ पे हुआ तो 180 यहाँ पे होगा, राइट, और 90 यहाँ पे होगा और 270 यहाँ पे होगा, राइट। लेकिन जब ये कंप्लीट कर रहा होगा तो 360 यहाँ पे होगा और ये 360 हो जाएगा कंप्लीट। अगर जीरो से स्टार्ट करके फिर से अगर यहाँ पे आ गए हम तो ये 360 कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर इस तरीके से अगर कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये 90 हो गया, 90 के बाद ये 135 हो जाएगा, इसमें 45 प्लस कर देंगे, 180 में 45 प्लस करेंगे 225 हो जाएगा, 25 में अगर हम 45 प्लस करते हैं 275, यहाँ पे 315 में अगर हम इसको कर देना 360 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम, ये तो हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, जब इसका अपोजिट होगा, तो हमारा पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब जब पूरा सिनेरियो चेंज होगा तो कैसे बनेगा उसको हम देख लेते हैं। ये तो क्लॉकवाइज हो गया, अब एंटी क्लॉकवाइज आ जाते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, चीज़ें देखिए ध्यान से, इस तरीके से, सॉरी अच्छे से बना लेते हैं ये सर्कल। इस बार मैं थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ, ये राइट थोड़ा बहुत सही है। अब ये हो गया ये और ये हो गया ये, राइट, और फिर ये हो गया और ये बन गया हमारा सर्कल। और ये इस बार हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो ये जीरो हो जाएगा। तो इस बार ये क्या हो जाएगा, इस बार ये हो जाएगा 90, राइट, और ये हो जाएगा हमारा 180, और ये हो गया हमारा 45 प्लस 90 प्लस 135 प्लस 180 में करेंगे 225 हो जाएगा, 225 में अगर 45 को प्लस करते हैं 270 हो जाएगा, और ये 315 हो जाएगा, और उसके बाद ये 360 हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं क्लॉकवाइज में कैसे चल रहा है, 45 का टर्म चल रहा है, और यहाँ भी आपको क्या चल रहा है, 45 का टर्म चल रहा है। तो ये हो गए हमारे एंगल्स ऑफ मूवमेंट्स, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और इसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान है।
जब आपसे पूछा जाए कि ये लेफ्ट में यहाँ पे टर्न हो रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, फिर वो लेफ्ट की तरफ में मूव हुआ, तो आपको पता है कि जब इस तरफ से जाएंगे तो आपका लेफ्ट क्या होगा, आपका लेफ्ट ऊपर की तरफ में होगा, तो ये लेफ्ट हो गया। फिर बोल रहे हैं कि अच्छा यहाँ से वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ये लेफ्ट इस तरीके से, फिर यहाँ से वो राइट की तरफ जाएगा, तो यहाँ से राइट आपका ऊपर की तरफ होगा। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारा लेफ्ट होगा, किस तरीके से हमारा राइट होगा, वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, तब जा करके चीज़ों को और डायरेक्शन के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। डायरेक्शन का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट में बहुत बेसिक सी बातें याद रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपको मेन डायरेक्शंस पता होना चाहिए, उसके बाद जो कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मेन चीज़ है कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, आप लेफ्ट राइट में बहुत सिंपल है, आप अपने आप को एज्यूम करिए कि आप जिस तरफ जा रहे हैं आपका लेफ्ट क्या होगा, आपका राइट क्या होगा। अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपका लेफ्ट क्या होगा, आपका राइट क्या होगा। अगर इस तरीके से चीजों को खुद प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे तो क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, यकीन मानिए। तो चलिए अब हम चलते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट को तो हमने सीख लिया है, अब आप कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद क्वेश्चंस के अंदर गदर मचाने वाले हैं, और यकीन मानिए क्वेश्चन बहुत आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है और आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखना होगा ताकि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। मैं अपनी पिक्चर्स को कर लेता हूँ थोड़ी सी छोटी ताकि आप अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ पाओ और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओ, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर स्टार्टिंग पॉइंट ए वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। एक स्टार्टिंग पॉइंट हम यहां से लेते हैं। अब ये क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट इधर ही होगा, तो 3 किलोमीटर हमने यहां पे बना दिया। अब आगे की लाइन को हम पढ़ते हैं, देन टर्न टू द लेफ्ट मूव 3 किलोमीटर। अब यहां से लेफ्ट की तरफ जा रहा, आप ऐसे जा रहे हैं और लेफ्ट आपका ऊपर की तरफ होगा, अब लेफ्ट में जा रहा है ये ऊपर की तरफ और 3 किलोमीटर वो फिर से चल रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया 3 किलोमीटर हमने ऊपर की तरफ में गया। और आपको पता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं क्वेश्चन में, ये आपको समझना पड़ेगा। अब फिर वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, अब यहाँ से जा रहे हैं, आपका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, तो लेफ्ट फिर वो 3 किलोमीटर आया, तो 3 किलोमीटर ये आ गया, 3 किलोमीटर यहाँ पे 3 किलोमीटर आ गया। एंड अगेन ही टर्न लेफ्ट, और यहाँ से फिर से वो क्या कर रहा है, अगेन वो लेफ्ट टर्न कर रहा है। तो नाउ अब ये जो है, अब वो अगेन क्या कर रहा है, वो लेफ्ट टर्न कर रहा है, मतलब एक बार आफ्टर स्टार्टिंग पॉइंट, यही स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, राइट, और यहां से वो 3 किलोमीटर गया राइट ईस्ट की तरफ, देन टर्न लेफ्ट, फिर 3 किलोमीटर मूव हुआ, आफ्टर दिस अगेन टर्न लेफ्ट और मूव 3 किलोमीटर, ये आ गया। इन विच डायरेक्शंस ए फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो ए है वो किस डायरेक्शंस में जा रहा है, तो अपने ये जो ए जो है, ए से स्टार्टिंग पॉइंट से जो ए है वो किस डायरेक्शन में है। तो आप देखोगे ए से अगर देखें तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन नॉर्थ की है, ये डायरेक्शन किसकी है, नॉर्थ की है। आप वेस्ट की तरफ तो जा रहा है लेकिन ए से वो किस डायरेक्शन में है, बिल्कुल नॉर्थ की तरफ में है। ए से डायरेक्शंस पूछा है, इन विच डायरेक्शन ए इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से जो ए है वो किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से जो ए है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, राइट। ये इसका आंसर वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, वो वेस्ट की तरफ में है, अगर और आगे जाता तो आप कह सकते थे, लेकिन 3 किलोमीटर यहां से स्टार्ट हुआ तो यहीं पे तो हुआ, बिल्कुल ए से बिल्कुल ठीक ऊपर, यानी कि नॉर्थ की तरफ में। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन को फिर से हम सॉल्व करते हैं ताकि आप और अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाएंगे सेकंड क्वेश्चन के अंदर। देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी चीजें बहुत सिंपल है, तो यहां भी हम क्वेश्चन अपने पिक्चर्स को और छोटा कर लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। अ पुलिसमैन लेफ्ट हिज पुलिस पास्ट प्रोसीडिंग अ 4 किलोमीटर इन साउथ ऑन द हियरिंग अ लाउड साउंड फ्रॉम अ पॉइंट ए। एक पॉइंट ए से वो साउथ की तरफ में, मतलब कि पुलिस वाले ने क्या किया है, आपको समझना पड़ेगा कि उसका एक पॉइंट है ए, और मतलब अ पुलिसमैन ए पॉइंट है ए हम मान लेते हैं यहाँ पे, राइट। और पुलिस पास्ट प्रोसीड तो 4 किलोमीटर साउथ, उसने क्या किया है 4 किलोमीटर साउथ की तरफ में आया है, तो
ये 4 किलोमीटर यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ है तो ये 4 किलोमीटर साउथ की तरफ आ गया, इसको हमने लिख दिया 4 किलोमीटर। अब इसी तरीके से फ्रॉम अ पॉइंट ए यहाँ से वो साउथ की तरफ आ गया राइट, और फिर अ लाउड एंड रीचिंग अ प्लेस ही अनदर साउंड, अनदर साउंड जैसे वो सुना वो एक और प्लेस पे पहुंच गया 4 किलोमीटर पहुंचने के बाद में, जिस पॉइंट का नाम उसने रख दिया बी। जैसे यहाँ पहुंचा एक और साउंड इसे मिले, वो बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो ये ए के बाद में क्या हो गया, ये बी हो गया। ऑन द रीचिंग दैट प्लेस ही अनदर साउंड प्रोसीड 4 किलोमीटर लेफ्ट एंड टू प्लेस सी, यहाँ से एक और साउंड उसने सुना जो कि 4 किलोमीटर था लेफ्ट की तरफ में, और वो पॉइंट पहुंच गया सी पे राइट। और इसके साथ में ही जैसे वो सी पॉइंट पे पहुंचा, ही आफ्टर हियरिंग प्रोसीडिंग 4 किलोमीटर एंड ही लेफ्ट एंड द पॉइंट बी फ्रॉम बी हा प्रोसीडिंग लेफ्ट टू रीच अंडर अ प्लेस सी 4 किलोमीटर अवे और द डायरेक्शंस ही हैज गोन टू द रीच प्लेस एंड द पुलिस पास्ट। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहां से उसने स्टार्ट किया था 4 किलोमीटर और वो जा चुका है, तो यहाँ पे आ गया 4 किलोमीटर और वो चल करके, तो आप देखोगे कि वो कहाँ पहुंचा है, तो वो वेस्ट डायरेक्शंस में अगर चलेगा, विच डायरेक्शंस, अगर वो यहाँ से वेस्ट की तरफ में जाएगा तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन विच डायरेक्शन ही हैज गोइंग टू रीच द पुलिस पास, जहां से वो उसने स्टार्ट किया था, तो ए से स्टार्ट किया था तो सी पे है वो, तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर वो यहां से 4 किलोमीटर गया, यहां से 4 किलोमीटर और चलेगा वेस्ट की तरफ में, तो वो अपने उस डायरेक्शन पे पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वही इसके अंदर क्या है, सबसे करेक्ट आंसर यहां पे है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, और इस क्वेश्चन को समझने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को और बेटर वे में समझ पाओ और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अ मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम ये मान लेते हैं कि एक पर्सन है जिसका नाम ए है, और वो क्या कर रहा है, साउथ की तरफ 6 किलोमीटर वॉक कर रहा है। तो साउथ की तरफ हमने क्या कर दिया, 6 किलोमीटर इसको पहुंचा दिया। अब जैसे ही वो साउथ की तरफ आ रहा है, वो लेफ्ट में 4 किलोमीटर टर्न कर रहा है, तो हमने क्या कर दिया, लेफ्ट में इसको 4 किलोमीटर घुमा दिया, और तो ये 4 किलोमीटर और आ गया, और यहाँ पे इस पॉइंट को हमने बी मान लिया, इस पॉइंट को सी मान लिया, और अगेन ही टर्न लेफ्ट वॉक 5 किलोमीटर, यहाँ पे फिर से वो चल रहा है और 5 किलोमीटर तय कर रहा है, तो ये 6 किलोमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर राइट। अगर से 1 किलोमीटर और चलता तो यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंच जाता, जो भी कोई पॉइंट होता। तो विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, वो अभी किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो वो अभी नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। अभी किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, वो अभी नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है, यानी कि आप देखोगे तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो अभी किस तरफ वो फेस कर रहा है, अभी वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है एग्जैक्टली उस क्वेश्चन के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, अ बॉय इज रनिंग टूवर्ड्स द साउथ, एक लड़का है जो कि साउथ की तरफ दौड़ रहा है, टर्न टू राइट आर फाइनली गोज हिज लेफ्ट एंड हिज लेफ्ट एंड टूवर्ड्स द डायरेक्शन ही इज रनिंग नाउ। एक लड़का है जो कि क्या कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट मान लो यहां से वो कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट कर रहा है और साउथ की तरफ में दौड़ रहा है, और जैसे ही साउथ की तरफ में टर्न्स, और फिर उसके बाद वो साउथ की तरफ में आ रहा है, तो अब उसको क्या कर रहा है, साउथ की तरफ में वो आ रहा है, तो वो अपने राइट की तरफ में भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है, वो राइट की तरफ में भाग रहा है, तो इसका राउट राइट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अब राइट की तरफ जैसे ही उसने भागना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, टर्न्स टू हिज राइट आर फाइनली टू हिज लेफ्ट, और राइट में आने के बाद वो फिर क्या चला गया, वो अपने लेफ्ट की तरफ में चला गया राइट। अब कहाँ जा रहा है वो, अब अपने कहाँ जा रहा है, वो लेफ्ट की तरफ में जा रहा है, एंड टूवर्ड्स एंड राइट टुवर्ड्स इज राइट, अब राइट की तरफ में जा रहा है, और राइट के बाद से फिर वो लेफ्ट की तरफ में आ रहा है, राइट की तरफ में गया और फिर लेफ्ट की तरफ में आ गया। तो अभी किस डायरेक्शन की तरफ वो दौड़ रहा है, तो अभी वो एंड पॉइंट ये इसका है, स्टार्टिंग पॉइंट ये इसका था, तो अभी वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ दौड़ रहा है। कहाँ पे दौड़ रहा है, वो वेस्ट की तरफ दौड़ रहा है अभी वो लड़का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कि क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम उस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे देखो, प्रताप है जो कि अपने स्कूल से 7 किलोमीटर ईस्ट की तरफ में जा रहा है। प्रताप जो है अपने स्कूल से 7 किलोमीटर ईस्ट की तरफ में जा रहा है। तो प्रताप यहाँ पे हम ये मान लेते हैं ये इसका स्कूल है, और अपने स्कूल से वो 7 किलोमीटर, या ये इसका स्कूल है और यहाँ से वो 7 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और 7 किलोमीटर की दूरी तय करके ईस्ट की तरफ जा रहा है। और जैसे ही वो ईस्ट की तरफ में जा रहा है तो फिर वो क्या करना है, लेफ्ट टर्न ले रहा है। तो लेफ्ट टर्न ले रहा है यानी कि ऊपर की तरफ में लेगा, और वो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। जैसे वो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो यहाँ पे हमने बता दिया कि यहाँ से वो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ में जा रहा है, और 4 किलोमीटर की दूरी क्या कर रहा है, वो तय कर रहा है। उसके बाद वो राइट ले रहा है और 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ये राइट लिया और 2 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी। अब जैसे ही 2 किलोमीटर की दूरी तय करी उसके बाद वो क्या कर रहा है, अगेन वो राइट ले रहा है। तो राइट का मतलब वो नीचे की तरफ, अब लेगा इस तरफ जा रहा है तो राइट इसका नीचे की तरफ होगा। तो ये राइट लिया और 3 किलोमीटर की उसने जर्नी तय करी। तो आप देखिए ये 4 किलोमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इसे थोड़ा कम ही रखना पड़ेगा हमें 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर यहाँ पहुंच गया। अब ये पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, अभी वो किस डायरेक्शन में। तो अभी आप देखोगे कि वो साउथ की डायरेक्शन की तरफ है, क्योंकि ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है। अभी साउथ की तरफ में वो है। तो आंसर नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, वही करेक्ट और सटीक आंसर है इस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। तो डायरेक्शन सेंस बहुत ही कमाल की चीज है। अगर आपने एक बार समझ लिया लेफ्ट राइट और डायरेक्शंस को, तो इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। राम साइकिल से 10 किलोमीटर साउथ की तरफ जा रहा है अपने घर से। साइकिल से वो साउथ की तरफ जा रहा है अपने घर से, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए यहां से हमने क्या किया कि वो चलना चालू किया, ए ए उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हम मान लेते हैं, और वो 10 किलोमीटर चलना चालू किया यहाँ से। क्या वो 10 किलोमीटर चलना चालू किया, राइट, और 10 किलोमीटर चलना चालू किया। तो हमने लिख दिया ये 10 किलोमीटर चलना चालू किया साउथ की तरफ में अपने घर से, ये इसका घर है, राइट। और टर्न राइट टू 6 किलोमीटर, उसके बाद उसने 6 किलोमीटर की जर्नी तय करी। तो ये 6 किलोमीटर हमने लिख दिया यहाँ पे, और जैसे ही 6 किलोमीटर की जर्नी तय करी उसने, फिर उसने राइट लिया और 10 किलोमीटर फिर गया। अब राइट 10 किलोमीटर फिर राइट लेगा तो अब कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ये 10 किलोमीटर है तो ये भी राइट में क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पहुंच गया यहाँ पे, बिल्कुल सामने सामने पहुंच गया। अब तो अब फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा तो लेफ्ट उसका इस तरफ होगा। तो लेफ्ट हमने ये तय कर दिया लेफ्ट, तो लेफ्ट में वो कहाँ चल रहा है, लेफ्ट में यहाँ चल करके वो 15 किलोमीटर की दूरी और तय कर रहा है। कितने कर रहा है वो, 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। टर्न लेफ्ट टू हैव साइकिल स्ट्रेट रीच एट होम, राइट। तो अब उसको घर पहुंचना है, अब यहाँ से क्या करना है उसको, घर पहुंचना है। तो आप मुझे ये बताओ कि उसको घर अगर पहुंचना है तो उसे कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी ये हो गया, ई। उसका घर तो ये ए की तरफ में, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना ये तय करनी पड़ेगी उसको, और 15 किलोमीटर ये ऑलरेडी चल चुका है, ये 15 किलोमीटर चल चुका है क्वेश्चन में, जो कि यहाँ पे मिस कर दिया हमने। यहाँ पे 15 किलोमीटर है, टर्न लेफ्ट देन वी हैव टू 15 किलोमीटर साइकिल टू रीच टाइम होम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर क्या दिया हुआ है, ये 15 किलोमीटर और चल चुका है। क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर लिखा हुआ है साइकिल 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर विल बी साइकिल टू रीच एट होम, राइट। सो साइकिल 10 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट एंड देन साइकिल 15 किलोमीटर, देन साइकिल 15 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट एंड टर्न एंड टर्न, यहाँ पे 15 किलोमीटर लिखा है, साइकिल 15 किलोमीटर, राइट। सो अब ये 15 किलोमीटर इस तरफ में गया है और ये 6 किलोमीटर, तो 15 प्लस 6, अगर घर पहुंचना है तो 15 किलोमीटर तो ये और फिर 6 किलोमीटर ये, क्योंकि ये जितना होगा ये भी इतना ही होगा। तो 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा घर पहुंचने के लिए, ये हो जाएगा 21 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 21 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही इसके अंदर सबसे सटीक, सबसे करेक्ट आंसर ये दिया हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तब जाकर के आप क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेवंथ के अंदर। क्वेश्चन नंबर सेवंथ काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चंस को आप समझ पाएंगे। राकेश लीव हिज हाउस, ही वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। ओहो, नॉर्थ वेस्ट अब आपको बनाना है। तो आपको पता है ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट ये हो गया आपका, राइट, ये आपको पता है नॉर्थ वेस्ट ये हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आपको अब बनाना चालू करना है।
यानी कि अगर आप बनाएंगे भी तो आपको यहां से बनाना पड़ेगा कि ए एक पॉइंट है जो कहां से जा रहा है, अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट मैंने ऐसा बना दिया, राइट। अब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला गया जो कि 10 किलोमीटर है, कितना है 10 किलोमीटर है। अब ये पॉइंट हमने इसको बी बना दिया, अब ये 10 किलोमीटर आ गया। अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड देन 20 किलोमीटर ने साउथ वेस्ट, अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट से अब साउथ वेस्ट में आना पड़ेगा, साउथ वेस्ट का मतलब ये हो गया साउथ वेस्ट। अब ये 20 किलोमीटर चल रहा है तो ये 20 किलोमीटर हो गया साउथ वेस्ट, इसको सी मान लिया हमने। अच्छा, एंड नेक्स्ट ही मूव 20 मीटर्स इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो साउथ ईस्ट में फिर वो चला 20 किलोमीटर। अब साउथ ईस्ट का मतलब ये हो गया साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में फिर अब इधर चलेगा 20 किलोमीटर, राइट। 20 किलोमीटर आ गया, तो 20 किलोमीटर चलेगा तो ये 10 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया, तो ये 20 किलोमीटर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो अब आपको ये बताना है कि अगर अगर वो फाइनली टर्न्स टुवर्ड्स हिज हाउस, अब फिर अब घर की तरफ चल रहा है, तो इसका घर यहाँ पे है, तो ये घर की तरफ जाने के लिए उसको कितने किलोमीटर की और किस दिशा में दूरी तय करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जिस दिशा में वो दूरी तय करेगा वो होगा उसका नॉर्थ वेस्ट, क्या होगा वो होगा नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शंस में उसको चलना पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो 10 किलोमीटर चला, फिर वो 20 किलोमीटर चला, फिर वो 20 किलोमीटर चला, और 20 किलोमीटर के बाद में वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ में चल रहा है, वो कहाँ चल रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ में चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अब उसको जो चलना पड़ रहा है वो कहाँ चलना पड़ रहा है, ये डी डी जो यहाँ पे आया ना यहाँ पे, इस तरीके से जाना पड़ेगा, मैंने सीधा चल दिया, तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ में चल रहा है, कहाँ चल रहा है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ में चल रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ से है ना उसको इधर की तरफ में चलना पड़ रहा है घर पहुँचने के लिए, सीधा नहीं आया ये इस तरफ में आया है, राइट। तो इस तरफ आया है तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ में उसको चलना होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7th के बाद क्वेश्चन नंबर 8th के बारे में चर्चा करते हैं, ताकि आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ पाएं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि श्रेया स्टार्टेड अ पॉइंट फ्रॉम पी एंड वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। अब देखिए श्रेया नाम है और श्रेया ने क्या किया, जहां से स्टार्ट किया, श्रेया स्टार्टेड अ पॉइंट पी, पी से स्टार्ट किया और 2 किलोमीटर तक वो चली, पी से स्टार्ट किया उसने, ये पॉइंट उसका पी है, वो स्टार्ट करा और वेस्ट की तरफ में 2 किलोमीटर चला, वो वेस्ट इस तरफ चला 2 किलोमीटर वो चली, राइट। अब यहां से जैसे वो 2 किलोमीटर चली, देन ही टुक अ राइट टर्न, अब राइट टर्न लेगी तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, वो 3 मीटर, मैं कहीं कहीं किलोमीटर बोल रहा हूँ आप ध्यान रखना, मीटर है वो, तो 3 मीटर हो जाएगा ये, राइट। और ये 3 मीटर चले यहाँ पे, 3 मीटर मैं किलोमीटर लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 3 मीटर है, राइट, तो आप उसको इग्नोर करिएगा, 3 मीटर है। और टेकिंग लेफ्ट एंड वॉकिंग 5 मीटर, फिर अब लेफ्ट टर्न करके 5 मीटर चल रही है, और तो ये 5 मीटर चल दी। इसके अलावा वो फिर से क्या कर रही है, सी फाइनली टर्न लेफ्ट एंड 3 मीटर और चली, 3 मीटर और चल दी, राइट। और स्टॉप, ये पॉइंट उसका है जो उस पॉइंट का नाम क्यू रख देते हैं, यहाँ पे स्टॉप हो गई, तो वो क्यू से कितनी दूर है, तो 2 ये और ये 5 ये, 5 और 2 क्या होगा, ये 2 है और ये 5 है, 2 और 5 क्या है 7 मीटर है, तो 7 मीटर का मतलब क्या हुआ, नन ऑफ दीज, यहाँ पे कहीं भी 7 मीटर नहीं है, तो ये 5 हो गया, ये 5 मीटर हो गया, 5 और इधर क्या, इधर ये 2, 5 और 2 क्या हो जाएगा 7, आंसर आना चाहिए, नन ऑफ दीज है, क्योंकि इन ऑप्शंस में से 7 मीटर कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को क्या करते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, राइट। तो 7 हमें कहीं नहीं दिया हुआ, इसका आंसर तो राइट होगा 7, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में, अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो चीज़ दी हुई है उसको हम समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। अंकित स्टार्टेड वॉकिंग नॉर्थ, अंकित ने नॉर्थ की तरफ में वॉक करना चालू किया, और आफ्टर 30 किलोमीटर वॉकिंग ही टर्न्स लेफ्ट, वो 30 किलोमीटर वॉक करने के बाद में लेफ्ट की तरफ में टर्न किया और फिर वो 40 किलोमीटर चला। अब सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है,
और स्टार्टिंग पॉइंट से सबसे पहले वो चलना चालू किया और वो 30 मीटर चला, और 30 मीटर चलने के बाद फिर वो 40 मीटर चला, राइट। तो ये 40 मीटर हमने चला दिया इसको, 40 मीटर, और जैसे ही वो 40 मीटर चला तो वो लिखा है देन टर्न लेफ्ट टू 30 किलोमीटर। फिर वो 30 किलोमीटर चला, 30 मीटर चला है, बार बार मैं किलोमीटर बोल रहा हूँ, 30 मीटर हो गया, राइट। और फिर उसके बाद से फिर वो 30 मीटर चला, 30 मीटर चल गया वो, और देन ही 50 मीटर। तो 40 के बाद ये 10 और एक्स्ट्रा, ये 10 मीटर यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट है इसका, कोई भी डी मान लेते। हाउ फॉर फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन, ओरिजिनल पोजिशन से वो 10 मीटर दूर है, क्योंकि ये भी 40 होगा, ये 40 और ये 10 50, तो ये कितना मीटर दूर है, वो ओरिजिनल पोजिशन से, वो ओरिजिनल पोजिशन से 50 माइनस 10, यानी कि वो 50 माइनस 40, यानी कि वो 10 मीटर दूर है। तो 10 मीटर का मतलब होगा ऑप्शन नंबर, इसमें अंदर कहीं भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज भी होगा। इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। और सही आंसर इसका क्या होगा कि वो 10 मीटर दूर है। आप देख पा रहे हैं ये 40 है, तो यहाँ पे अगर फिर 30 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा इसके सामने सामने, और फिर ये 40 हुआ, 50 चला है तो 40 ये हुई और 10 यहाँ पे। ये आपको अपने एजम्पशन के बेसिस पे बनाना है, यानी ये नहीं कि स्केल ले लिया और 40 मीटर बनाते जा रहे हैं, नहीं, आपको अपने एजम्पशन से बनाना है। जरूरी नहीं है, केवल हम डायरेक्शन को एक दिशा के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन के अंदर। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ताकि आपको और क्लैरिटी आएगी क्वेश्चन को देख करके कि किस तरीके से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर अगर आप देखें ध्यान से तो चीज़ों को आप समझ पाएंगे कि फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट राजू वॉक 12 किलोमीटर नॉर्थ। स्टार्टिंग पॉइंट से जो राजू है वो 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ में जा रहा है, 12 12 मीटर। तो यहाँ पे हमने नॉर्थ की तरफ में इसको पहुँचा दिया 12 मीटर, राइट। तो हमने 12 मीटर यहाँ पे बना दिया, 12 मीटर। अब देखिए जैसे ही 12 मीटर वो गया फिर वो राइट आया, तो ऐसे में जब राइट जाएंगे तो राइट आपका इस तरफ होगा, राइट आपका इस तरफ होगा, तो राइट वो कितना चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है, तो राइट हमने उसको चला दिया 10 मीटर। ये 10 मीटर हो गया राइट, तो ये 10 मीटर चल गया राइट में, राइट। अब जैसे वो 10 मीटर चला तो हुआ क्या कि जैसे वो 10 मीटर ये राइट की तरफ में चल गया, फिर वो 12 मीटर आ रहा है, अगेन ही वॉक 12 मीटर राइट, तो ये राइट इसका नीचे की तरफ हो जाएगा, तो 12 और ये इधर से 12 था तो इधर भी 12 इतना ही होगा, बराबर होगा, 12 हो जाएगा ये। और फिर वो लेफ्ट की तरफ में टर्न करके 5 मीटर चल रहा है, तो लेफ्ट की तरफ में चल, अब यहाँ से लेफ्ट इसका इस तरफ होगा, तो ये कहाँ चल रहा है, 5 मीटर, और ये पॉइंट बी पे पहुंच जा रहा है, और ये इसका पॉइंट ए है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब कितना दूर है और किस डायरेक्शन में, देखिए दूर की अगर बात करें ना तो 10 ये और 5 ये 15 मीटर है, और ईस्ट की तरफ में 15 मीटर है, और कहाँ पे है, वो ईस्ट की तरफ में है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, क्योंकि वो ईस्ट की तरफ में है और 15 मीटर है ईस्ट की तरफ से। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं यार डायरेक्शन सेंस के, केवल आपको समझना पड़ता है। एक बार जब एक बार समझ जाते हैं ना तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, आप बिल्कुल क्वेश्चन को बिल्कुल उड़ाने लगते हैं जब आप समझने लगते हैं। तो सिटी डी इज द वेस्ट फ्रॉम सिटी एम, जो सिटी डी है ना वो सिटी एम से वेस्ट की तरफ में है। देखिए अगर हम ये कह दें कि सिटी एम यहाँ पे है तो सिटी जो डी है वो यहाँ पे होगी इसके वेस्ट में, ईस्ट है तो इसका वेस्ट। अब सिटी आर इज द साउथ ऑफ द सिटी डी, आर जो है वो डी के साउथ में है, यानी कि ठीक इसके नीचे, ठीक है। इफ के इज द ईस्ट ऑफ आर, यदि जो के है इसके आर के ईस्ट में है, तो ईस्ट ऑफ सिटी आर, देन विच डायरेक्शन सिटीज के लोकेटेड रेस्पेक्टेड ऑफ डी, डी से किस किस डी के रेस्पेक्ट में के कहाँ पे है, डी के रेस्पेक्ट में के कहाँ पे है। तो आप देखेंगे डी के रेस्पेक्ट में जो के है वो किस तरफ में है, वो डी के रेस्पेक्ट में साउथ ईस्ट में है। कौन सा ये डायरेक्शन कहलाता है हमारा, साउथ ईस्ट कहलाता है। तो साउथ ईस्ट जो होगा वो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जहां से पूछा गया ना वहीं से हम लोकेट करते हैं। तो ये कहाँ पे है, ये अब देखिए ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ये जो पोजीशन है वो क्या होती है, साउथ ईस्ट की होती है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी है, समझाया भी है। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ के बारे में चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक इवनिंग में सनसेट से पहले दो फ्रेंड्स रमन और अर्जुन बात कर रहे हैं एक दूसरे में आमने सामने फेस करके, राइट। सनसेट का समय है तो हम ये मान लेते हैं कि रमन और अर्जुन, राइट। अब ये सनसेट है, इस तरफ में सनसेट हो रहा है, राइट। सनसेट हो रहा है, ये सनसेट हो रहा है और रमन और अर्जुन बात कर रहे हैं। तो रमन का मुंह इस तरफ है और अर्जुन का मुंह इस तरफ है, ये हो गया हमारा रमन और ये हो गया हमारा अर्जुन, राइट। ये अर्जुन हो गया, दोनों आमने सामने बिल्कुल बात कर रहे हैं फेस टू फेस करके। इफ रमन शैडो वॉज एग्जैक्टली लेफ्ट साइड, यदि रमन 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 का लेफ्ट साइड, तो रमन का जो लेफ्ट होगा वो इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इसकी परछाई इस तरफ आ रही है। सो विच डायरेक्शन इज अर्जुन अर्जुन फेसिंग, तो जो अर्जुन है वो किस तरफ फेस करके बैठा होगा। तो अर्जुन अगर रमन का इस तरफ आ रही है परछाई, रमन की परछाई अगर इस तरफ आ रही है तो क्या होगा, रमन की परछाई अगर इस तरफ आ रही है तो जो अर्जुन होगा वो नॉर्थ की तरफ में बैठा होगा, तभी तो वो आमने सामने होंगे। अगर आमने सामने होंगे, जैसे मान लो रमन इस तरफ मुंह करके बैठा हुआ है और अर्जुन इस तरफ बैठा हुआ है और इस तरफ सूरज डूब रहा है, तो क्या होगा, इसकी परछाई इसके लेफ्ट में आ रही है तो लेफ्ट इसका इधर होगा, यानी कि अर्जुन इस तरफ है तभी तो आमने सामने होंगे। अगर ये इस तरफ से होगा तो आमने सामने बिल्कुल नहीं होंगे, या इस तरीके से होंगे नहीं कि ऊपर नीचे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ से, नॉर्थ की तरफ वो फेसिंग करके बैठा हुआ है अर्जुन, और ये सनसेट का माहौल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या दिया हुआ है, कैसे हम उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं और आप कैसे इन क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अ डायरेक्शन पोल वॉज सिचुएटेड ऑन द रॉड क्रॉसिंग, रॉड क्रॉसिंग जो रोड की क्रॉसिंग है वहां पे एक डायरेक्शन पोल है। ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कारण जो पोल है वो टर्न हो चुका है। एंड सच ए मैनर अ पॉइंटर ऑफ शोइंग डायरेक्शन ईस्ट इज शोइंग टू द साउथ। अच्छा, जो ईस्ट है वो साउथ को शो कर रहा है। ईस्ट किसको शो कर रहा है, साउथ को शो कर रहा है। तो नॉर्मली जो हमारा डायरेक्शंस होता है वो ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है और साउथ हमारा इधर होता है। तो ये कह रहा है कि ईस्ट जो है, ईस्ट स्टार्टेड शोइंग साउथ। अब ईस्ट जो है वो साउथ को शो कर रहा है। ईस्ट हमारा किसको शो कर रहा है, ईस्ट हमारा साउथ को शो कर रहा है। तो ईस्ट की जगह पे क्या शो कर रहा है, ईस्ट की जगह पे क्या शो कर रहा है, साउथ को शो कर रहा है। तो साउथ का जस्ट अपोजिट तो नॉर्थ हो जाएगा, और अगर ये साउथ को शो कर रहा है तो साउथ के जस्ट पहले ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। जब ये एक्सीडेंट के कारण ये पोल घूम चुका है तो रॉन्ग डायरेक्शन जो बता रहा है ये तो राइट होता है, ये रॉन्ग है। तो अब हमें बताना है कि अ ट्रेवलर वेंट टू अ रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग टू द वेस्ट, वेस्ट की तरफ में जा रहा है, इन विच डायरेक्शन एक्चुअली ट्रेवलिंग। अगर वो वेस्ट की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो साउथ की, सॉरी, अब जो ट्रैवलर है वो, जो ट्रैवलर है वो किसकी तरफ जा रहा होगा। ट्रैवलर जो है एग्जैक्टली वो क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है तो ईस्ट हमारा क्या हो गया, ईस्ट हमारा क्या हो गया, ईस्ट हमारा साउथ हो गया। तो साउथ हमारा क्या हो जाएगा, साउथ हमारा वेस्ट हो जाएगा, साउथ हमारा वेस्ट हो जाएगा, राइट। और वेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और नॉर्थ हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो सीता इज एक्चुअली वेंट टू द नॉर्थ डायरेक्शंस। तो अब लिखा हुआ है इन द विच डायरेक्शन एक्चुअली सी वॉज ट्रेवलिंग। अब लिखा हुआ है कि सीता अ ट्रेवलर हु वेंट रॉन्ग डायरेक्शंस टू द टेकिंग वी अ बेस्ट। तो अब वेस्ट की तरफ में वो जाने की कोशिश कर रही है, जो कि वेस्ट जो हमारा क्या हो चुका है, वेस्ट हमारा ये जो हो चुका है, वेस्ट हमारा साउथ हो चुका है ना, वेस्ट हमारा क्या हो चुका है, साउथ, एक सेकेंड, नॉर्थ, नॉर्थ ये हमारा ईस्ट है ना, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, साउथ ही है तो नॉर्थ ही हो जाएगा। तो ईस्ट ये होगा ना, ईस्ट तो इस तरफ होगा, ईस्ट जो होगा वो हमारा साउथ होगा, राइट। ये हमारा गड़बड़ हो गया, ईस्ट हमारा इस तरफ होगा और ये हो गया हमारा वेस्ट, ये वेस्ट हो जाएगा। एक सेकेंड देखो, जो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आप, एक्चुअल में जो डायरेक्शन हमारा होता है ना वो ये होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, ये चीजें होती हैं एग्जैक्टली जिसको हम समझ पाते हैं, राइट।
अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर कि क्या चीजें हैं और कैसे हम इसको और बेटर वे में समझ सकते हैं। अब पोल का एक्सीडेंट हुआ है तो जो पॉइंटर है वो ईस्ट अब साउथ को शो कर रहा है। ये जो ईस्ट है ना वो साउथ को शो कर रहा है। ईस्ट जो है वो क्या हो रहा है, ईस्ट जो है वो साउथ को शो कर रहा है। जब ईस्ट हमारा साउथ को शो कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, अब ये जो रोटेशन है ना गड़बड़ हो गया एक्सीडेंट के बाद में, ईस्ट हमारा किसको शो कर रहा है, ईस्ट हमारा साउथ को शो कर रहा है, राइट। तो साउथ हमारा किसको शो करेगा, वो वेस्ट को शो करेगा। अरे भैया ईस्ट हमारा किसको शो कर रहा है, ईस्ट हमारा साउथ को शो कर रहा है, राइट। तो साउथ हमारा किसको शो करेगा, वेस्ट को शो करेगा। इसी तरीके से जो वेस्ट होगा वो हमारा किसको शो करेगा, नॉर्थ को शो करेगा। तो वेस्ट हमारा किसको शो करेगा, नॉर्थ को शो करेगा। और जो हमारा ईस्ट होगा वो साउथ को शो करेगा। तो इस ये साउथ किसको शो करेगा, ईस्ट को, और ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो जब वो रॉन्ग डायरेक्शंस में आएगा, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा होगा, जब भी वो रॉन्ग डायरेक्शंस में आएगा तो वो यहाँ पे किस डायरेक्शंस में जा रहा होगा, वो जा रहा होगा हमारा एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शंस में। कहाँ पे जा रहा होगा, नॉर्थ डायरेक्शंस में जा रहा होगा, राइट। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो आप चीजों को समझ पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ये जो हमारा शो कर रहा है किस डायरेक्शन में वो एक्चुअली ट्रेवल कर रही है। अगर वो वेस्ट की तरफ जा रही है तो वो एक्चुअल में किस तरफ से, वो नॉर्थ की तरफ में क्या कर रही है, वो डायरेक्शन उस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में चर्चा करते हैं। अब 14 क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक घड़ी है और उस घड़ी के अंदर क्वार्टर पास 12 हो रहा है। क्या हो रहा है, क्वार्टर पास 12। इफ आवर एंड ऑन द पॉइंट ऑफ द ईस्ट एंड देन द डायरेक्शंस अपोजिट टू द मिनट एंड, तो कहां पे वो चीजें चल रही होंगी। देखिए इंफॉर्मेशन जो है ना वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस घड़ी के अंदर। आप ध्यान से देखिए, ये है आपकी एक घड़ी और इस घड़ी के अंदर आपको दिया हुआ है 12 और यहाँ पे दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 9। तो यहाँ पर घड़ी के अंदर क्वार्टर पास्ट 12 है, मतलब ये है आपका आवर एंड और ये पास्ट, ये है ये आपका मिनट एंड है। तो यहाँ पे द व्हाट डायरेक्शन अपोजिट टू द मिनट एंड, मिनट एंड के जो अपोजिट होगा वो क्या होगा। मिनट एंड ये है जो कि ईस्ट की तरफ है और मिनट एंड का जो, हेंस द डायरेक्शंस अपोजिट टू द मिनट एंड इज द नॉर्थ। उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो नॉर्थ होगा। तो ये जो है ना वो ये इसका अपोजिट होगा। तो आप देख पाओगे अपोजिट, द टाइम ऑफ क्लॉक इज क्वार्टर पास्ट 12 इफ द आवर एंड पॉइंट्स इन द ईस्ट। अगर इसका आवर एंड बोल रहा है कि ये ईस्ट को बता रहा है तो वेस्ट इसका क्या होगा, ये होगा ईस्ट वेस्ट। अगर ये होगा तो नॉर्थ ये होगा और साउथ ये होगा। तो ये किसको बता रहा है, ये नॉर्थ को बताएगा, किसको बताएगा, वो नॉर्थ को बताएगा। सॉरी, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। क्यों होगा, नॉर्थ साउथ आप देखिए, ईस्ट ये होता है, वेस्ट ये होता है, नॉर्थ ये होता है और साउथ ये होता है। तो आप देखिए जो ईस्ट है ना वो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ईस्ट की पोजीशन इधर गई है, ईस्ट की पोजीशन इधर गई है, तो नॉर्थ इधर आई है ना, तो ये नॉर्थ ये होगा, नॉर्थ ये होगा और साउथ ये होगा। तो ये मिनट एंड का अपोजिट क्या होगा, नॉर्थ। तो मिनट एंड का अपोजिट क्या हो गया, मिनट एंड का अपोजिट नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ। तो इस तरीके से हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला है। अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, सी टर्न्स 180 टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस एंड देन 225 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, व्हिच डायरेक्शन सी इज फेसिंग नाउ। देखिए डायरेक्शंस के बारे में मैंने आपको एंगल्स बहुत अच्छी तरीके से सिखाए थे और एंगल्स आपने बहुत अच्छी तरीके से अगर सीखे हैं तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएंगी। वो क्या है आप ध्यान से समझिएगा, ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका साउथ। तो होगा क्या कि अगर वो 255 डिग्री क्लॉक वाइज इज फेसिंग नॉर्थ, अगर वो नॉर्थ में है और 245 डिग्री वो क्या कर रही है, 255 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज वो कहाँ घूम रही है, 245 डिग्री। तो ये 180 तो यहाँ पे आ जाएगी और 180 के बाद 180 में अगर वो 45 को प्लस करती है तो यहाँ पे आ जाती है, वो साउथ ईस्ट की तरफ में आ जाएगी और क्लॉकवाइज
सी टर्न्स 180 इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से 180 पे आ चुकी है, अब इसके बाद में वो क्लॉकवाइज घूम रही है, अब 180 यहाँ पे आ चुकी है, फिर क्लॉकवाइज घूम रही है कहाँ पे, 275, तो 180 यहाँ पे आ गई और 225 यहाँ पे आ गई, तो 25 यहाँ पे आ गई, मतलब इस डायरेक्शन में उसका मुंह है। अगर वो इस डायरेक्शन में चल रही है तो वो किस डायरेक्शन को फेस कर रही है, दैट इज फेसिंग अ नॉर्थ ईस्ट। किसको फेस कर रही है, वो नॉर्थ ईस्ट को फेस कर रही है, ये नॉर्थ ईस्ट होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है, नॉर्थ ईस्ट। आप समझ पा रहे हैं, पहले वो एंटी क्लॉकवाइज 180 आई है, अब 180 आने के बाद फिर से वो 225 गई है, तो 180 के बाद 225 यानी कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 6 o'clock, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 6 o'clock वॉच अ रोटेट अ 45 degree इन अ मैनर सच अ मीनर डेंस पॉइंट्स टू द नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए घड़ी का टाइम जो है उसको आपको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ये आपकी घड़ी है, घड़ी में ये 12 होता है, ये 6 होता है, ये 3 होता है, ये 9 होता है। अब यहाँ पे 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं मतलब डायरेक्टली इस तरफ 6 बज रहे होंगे, ये आपका मिनट होगा, मिनट एंड होगा, ये आपका आवर एंड होगा, राइट। तो अब देखिए समझिए ध्यान से कि अब 45 डिग्री रोटेट हो रहा है इस मैनर में कि मिनट एंड पॉइंट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट को। अब 45 डिग्री इस अब किसको वो कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट को बता रहा है मिनट एंड। तो मिनट एंड अगर नॉर्थ ईस्ट को बताएगा तो इसका मतलब घड़ी हमारी किस तरफ हो जाएगी, घड़ी हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, तभी तो हमारा 6 इस तरफ से बजेगा नॉर्थ। अगर 6 बज रहा होगा तो ये 6 यहाँ पे हो जाएगा, 12 यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा, 9 यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से चल रहा है, अगर इस तरीके से चलेगा तो ये जो मिनट एंड है, ये जो मिनट एंड है वो किस इस चीज को बता रहा है, ये हमारा होता है नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा कोना नॉर्थ ईस्ट है, और ये वाला जो कोना है वो साउथ वेस्ट है, ये क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है। तो साउथ वेस्ट आप ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर देख सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से समझ भी सकते हो। सो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या दिया हुआ है, और इस तरीके से आपने डायरेक्शन सेंस को कंप्लीट कर लिया है। अगले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको केवल लिखना है ज्वाइन गदर, जो भी बैच का नाम चल रहा है उस बैच का नाम, जैसे मान लीजिए आपका नाम अमित है और आप बिलोंग करते हैं दिल्ली से, तो बस ये लिखना है, और ये जो नंबर है ना 8770077431 इस वाले नंबर पे, ये जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। सो आई होप कि चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।